स्टूडेंट्स, ये यू सेट पेपर फर्स्ट सेट ए है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको गिवन है 2160, इसके आपको फैक्टर्स गिवन है, ठीक है, जिसमें आपके 2, 3 और 5 की पावर्स ए बी और सी में है। तो आपको 3 to the power a इंटू 2 to the power b इंटू 5 to the power c, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको उसमें बताना है, ठीक है। तो जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे सॉल्यूशन भी है तो आप इसको देख सकते हो कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आप ये फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। फैक्टर से आपको क्या पता चल जाएगा, ए बी और सी की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, वो वैल्यूज़ आप इसमें पुट करके, ठीक है, तो आप इससे आपको पता चल जाएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें आपसे पूछा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 को है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस डेट को पड़ेगा, ठीक है। जब आपका थर्ड फ्राइडे 16 को है, इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब 16 को फ्राइडे है तो इस हिसाब से 20 को आपका नेक्स्ट फोर्थ ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 2, 9 और 16 ये 3 आपके फ्राइडेज रहेंगे, तो उस हिसाब से आपका 20 को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतने इतने परसेंट घटाई जाती है और ऊंचाई को बढ़ाया जाता है, इस प्रकार बने कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संख्या ये जो है आपको एक नंबर गिवन है, ये 3 से डिविजिबल है, तो पी के स्थान पे जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है पी, इसके प्लेस पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। आपको पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि इनका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो जब आप पी के प्लेस पे 8 पुट करोगे तभी आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है, तो इसमें आपको रूट्स के लिए आपसे पूछा गया, तो आप 1 to 96 का रूट फाइंड करोगे, ठीक है, तो इसका रूट आएगा आपका 36, ठीक है। तो आपको 36 को 108 से ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका इसको ऐड करके 144 आएगा, इसका रूट आ जाएगा 12, 12 को आप 52 से ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 64, इसका रूट हो जाएगा 8, आप 8 को 248 से आप ऐड करोगे तो ये आपका 16 का स्क्वायर बनेगा, तो रूट हो जाएगा 16, आंसर विल बी ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट है, 3 to the power 98 को 5 से डिवाइड करने पर क्या शेष रहता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, 3 to the power 98 है, ठीक है, जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे 98 को तो आपका 4 2 8 होगा 18, 4 4 16, यानी कि 3 to the power 24 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। तो आपके 3 to the power 98 के आपने फैक्टर्स कर लिए, मतलब आपका ये 4 से डिवाइड का लॉजिक इतना होता है कि अब आपका ये जो हो गया 3 to the power 24 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी इक्वल होती है 1 के, ठीक है, तो आपका ये बचा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि 5 से डिवाइड करने पर क्या शेष रहेगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 9/5 यानी कि आपका 4 रिमाइंडर रह जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है आपका, कितने घंटों में सेकंडों की संख्या 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 घंटे, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, आपको एक क्वेश्चन गिवन है इसमें भी, आपको यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट अप करनी है और यहाँ पे y की, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लो, तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, आपसे इसमें पूछा गया कि इसका वर्गमूल क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, कहीं ए लग रहा है और कहीं सी लग रहा है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन 64 है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, जब आपका वॉल्यूम 64 है यानी कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो आपकी साइड ए क्या हो जाएगी 4, ठीक है, जब साइड 4 हो गई तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसमें,
सिक्स इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, तो सिक्स इंटू फोर इंटू फोर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, तो ये एक बहुभुज एक पॉलीगन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये आपको इनमें से बताना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में ये जो आपकी सबसे बड़ी होती है संख्या फाइव डिजिट की 9999, ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे डिविजिबिलिटी वाले मेथड से। तो आपका इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से पेयरिंग करके, तो आपका इसको सॉल्व करने पे 143 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से जब आप 143 डिडक्शन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आप इसके साथ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर वैल्यू आएगी, फिर इसके साथ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए 21/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि 7, 14 इस टाइप से 196 तक के नंबर्स जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एपी में फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, तो इसको आप इसमें पुट करके एन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो नंबर्स गिवन है, उनका एच सी एफ और एल सी एम दोनों गिवन है, तो आपको पता है नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकेंड इक्वल्स टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है, तो इससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सी मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको डायामीटर पता है, तो आपको रेडियस भी पता है, ठीक है। अब जब रेडियस पता है आपको, तो आपको ये साइड आप ए और ए ले लें, और ये चीज़ जो है आपकी, ये आपको पता है 80 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2a² इक्वल्स टू 80² ठीक है, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a इक्वल्स टू 40√2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, a की वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी, तो इस हिसाब से आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो 40√2 × 40√2 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है, उसे कहते हैं आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, तो ये है, इसमें ऑप्शन बी और डी में थोड़ा सा डाउट है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, मानसिक महत्व है, मेंटल। नेक्स्ट है, हॉकबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित है, यह सामाजिक मूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स रेशो वाई इतना है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसमें आप क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को वाई से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा 8x/y + 2। अब आप x/y के प्लेस पे क्या कर सकते हो, 1/2 पुट कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 × 1/2 + 9, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 × 1/2 + 2, ठीक है, ये 2 4 जा, ये भी 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 13/2।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया है। तो आपको ऐसी गेंदों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ बॉल्स आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपको करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ दिस वन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन आप कर देना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इसका आपका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, दैट इज इक्वल्स टू एक्स हो गया आपका नंबर ऑफ बॉल्स इंटू स्फीयर का आपका हो जाएगा 4/3 πr³। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में, क्यू और आर मिलकर 15 दिनों में और आर और पी मिलकर 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो पी अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। आपको तीनों के अलग अलग पेयरिंग में पता है, तो आप क्या करेंगे, जब आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका डबल आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका आपका आ जाएगा इन तीनों को ऐड करके 1/5। तो आपका पी प्लस क्यू प्लस आर के लिए क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब आपका पी प्लस क्यू प्लस आर ले रहा है 1/10, तो आपसे पूछा किसका गया, पी का अकेले, तो अब आप क्यू और आर का इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि आप कर देंगे 1/10 − 1/15, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं, 86 है, यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं, तो औसत अंक 1 कम हो जाता है, तो सर्वोत्तम 5 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको बताने हैं, ठीक है। तो 40 का है आपका औसत, 86 यानी कि टोटल होगा इतने, ठीक है। इसमें से आप 5 के हटा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 35 कैंडिडेट्स आपके पास बचे, और एवरेज कितना हो गया अब आपका 85, क्योंकि ये कह रहे हैं 1 कम हो जाता है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की गणित अध्यापक के साथ मुख्य समस्या क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है, यह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आपको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 a गिवन है, इसमें आपको a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a अपॉन वाई माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसका LCM ले लेना, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, अब जब 0 अपॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबे का रेशो आपको गिवन है, ठीक है, तो उस अनुपात को 5:6 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलांश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न इतनी हो जाती है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। वही भिन्न उसके अंश और हर में से एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो आपको अंश और हर का योगफल बताना है, आप इन दोनों से इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका न्यूमरेटर आएगा 3 और डिनोमिनेटर आएगा 7, तो आपका एडिशन हो जाएगा 10। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक कार एक निश्चित यात्रा को 48 किलोमीटर पर आर की गति से 10 आवर्स में समाप्त करती है, ठीक है, उसी दूरी को 8 आवर्स में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, s1 × t1 इक्वल्स टू s2 × t2, ठीक है। आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48 × 10 इक्वल्स टू x × 8, तो 8 6 तो आपका x हो गया 60, लेकिन आपसे क्या पूछा है, कितनी वृद्धि, यानी कि 60 − 48 यानी कि 12 किलोमीटर पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।